अपनों की जो किसानी है वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी और हमारे देश का किसान अपने खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। तो आज सब लोगों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और एमएसपी इतना पीछे पता नहीं सभी 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी तुम इतना पता नहीं क्या कर रहे थे इतनी देर और एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू की जाए। ये सब लोगों की मांग है। अट्ठाईस तारीख को मेरठ में बहुत बड़ी किसान महापंचायत है और उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होंगे और उसके अंदर भी किसान महापंचायत के अंदर भी इन तीनों कानूनों के ऊपर चर्चा की जाएगी और इनको वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से अपील की जाएगी। सर और क्या चर्चा है किसानों की? सर क्या मांगे रखी हैं मुख्यमंत्री के सामने आप लोगों ने? आज आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने जहां दिल्ली की केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कीले ठुकवा दी, बैरिकेड लगवा दिए, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की सब पूरी चौतराहट सभी जाति धर्म संप्रदाय की दीवार को तोड़कर किसान बनके आज विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी ने बुलाने का काम किया और वो आतिथ्य दिया है जो सुदामा को श्री कृष्ण ने दिया था। और हमारी एक ही मांग है एमएसपी पर विधिक कानून बने, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्ण लागू हो और कृषि कानून वापस हो। जब तक नहीं होंगे जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो जू के तू अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और हम पंचायतों के और गांव-गांव जाने के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और निश्चित ही विजय किसानों की होगी। किसान की तो एक अपनी फसल के दाम को बेचने की लड़ाई है लेकिन पूरे देश की खाने की लड़ाई होगी। इस रोटी को तिजोरी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमारे यहाँ आज सभी खापों के चौधरी खांबा चौधरी मेरा नाम रोहित जाखड़ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जाट महासंघ। आप चौधरी श्याम सिंह गठवाड़ा खाप के थांबा चौधरी शामली से हैं। आज हम जो आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए, इन्होंने बहुत सम्मान दिया, जो हमने सुना था वो इनमें आज पाया गया। हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जो हमारा किसान 90 दिन से बॉर्डर पर बैठा है उसी के संदर्भ में जो भी मांगी गई थी उसे लेकर रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम वापस घर नहीं जाएंगे। किसानों की लड़ाई में इन्होंने पूर्ण समर्थन देना दिया है, हम इनके कृतज्ञ हैं। 28 तारीख में भी इन्होंने समर्थन दिया था। आप बाबा श्यामल के पड़पोते हैं देश खाप के चौधरी यशपाल। सीएम साहब से मिले यहाँ पे, जो इन्होंने हमारा 28 तारीख में सहयोग किया था उसका धन्यवाद किया और आगे की जो रणनीति बनाई, जो हमारे यहाँ धरना चल रहा है तब तक इसकी मांग पूरी नहीं होगी। सीएम साहब हमारा इन्होंने आश्वासन दिया, सहयोग करते रहेंगे और हम भी यहाँ से हटते जा रहे हैं। लंबे समय से किसानों ये बहुत दुखदायी है कि केंद्र सरकार ने बैठकें करनी बंद कर दी है क्योंकि समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। किसानों के साथ उनको बातचीत करनी चाहिए और केंद्र सरकार को अड़ना नहीं चाहिए कि हम कानून वापस नहीं देंगे। किसानों की मांग है वह कानून वापस लेने की, हमारे देश के किसानों